गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने पार्ट एक कंप्लीट कर लिया है, उसके प्रश्न उत्तर भी अपन ने कर लिए थे। आज अपन करेंगे पार्ट दो व्याकरण। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्याकरण होता क्या है। व्याकरण होता है भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का माध्यम। क्या होता है? व्याकरण होता है। अगर व्याकरण के अभाव में भाषा का बिगड़ा हुआ रूप ही हमें देखने को मिलता है। जैसे राम दूध पीती है। अब राम क्या है? बालक है। बालक क्या होता है? पुल्लिंग होता है। और पीती ये क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? राम दूध पीता है। इसी तरह और देखिए आप, सीता दिन में सोता है। अब सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। और सोना क्या है? पुल्लिंग। ओके ना। तो ये भी क्या है, व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा सीता दिन में सोती है। अब देखिए आप कि व्याकरण हमें भाषा को सही ढंग से लिखना, स्पष्ट पढ़ना लिखना सिखाता है। व्याकरण ही भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। व्याकरण का ज्ञान न होने से हम भाषा का गलत रूप बोलते हैं। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, जब तक वो भाषा को हम गलत तरीके से ही बोलते रहेंगे। जैसे मैंने अभी बताया राम दूध पीती है, तो इसमें क्या आएगा? राम दूध पीता है, क्योंकि राम दूध पीती है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। अब देखिए दिव्या पत्र लिखता है। अब दिव्या तो स्त्रीलिंग है और लिखता पुल्लिंग है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध है। ये बनेगा दिव्या पत्र लिखती है। अब देखिए रमेश फोन करती है। अब रमेश तो पुल्लिंग है और करती है स्त्रीलिंग है, तो ये भी वाक्य अशुद्ध है। ये क्या बनेगा? अशुद्ध। रमेश फोन करता है। ऊपर के वाक्यों में कथन गलत है। स्त्रीलिंग दिव्या के साथ क्रिया पुल्लिंग लगाई गई है तथा पुल्लिंग रमेश के साथ क्रिया स्त्रीलिंग लगाई गई है, अतः उपरोक्त दोनों ही वाक्य अशुद्ध है। इनके शुद्ध वाक्य बनते हैं दिव्या पत्र लिखती है और रमेश फोन करता है। इस तरीके से आप और भी वाक्य आप दे सकते हैं। जैसे दो हिरन दौड़ता है, तो अब इसको शुद्ध रूप में कैसे बनाएंगे? दो हिरन दौड़ते हैं। ऐसे ही राधा पत्र लिखता है। अब राधा तो है स्त्रीलिंग और लिखता है पुल्लिंग, तो ये वाक्य अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? राधा पत्र लिखती है। तो इस तरीके से व्याकरण जो होता है, अगर वो हमारा सही नहीं हो तो इसके अभाव में भाषा क्या क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप हमें देखने को मिलता है। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। हम आगे आगे वाला प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।